हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट वाली बुक, जिसमें आज हम फोर्थ चैप्टर जो कि इक्विटी इकोसिस्टम है उसका लास्ट पार्ट देखेंगे, यानी फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट की डिफरेंट क्या स्कीम्स है डिफरेंट टाइप के इक्विटी इकोसिस्टम और वेटलैंड्स के लिए। ठीक, तो 2011 में दो चीज़ें आई थी, कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन और आइलैंड प्रोटेक्शन जोन का नोटिफिकेशन। इस समय रिसेंट भी आ चुका है, इसमें काफ़ी अपडेट है, तो ये आप बेसिक इसका समझ लीजिए, बाकी आप करंट अफेयर से इसको अपडेट कर लीजिए, तभी ये कंप्लीट होगा। उसमें ये था कि कोस्टल रेगुलेटरी जोन में मैनग्रूव और कोरल रीफ जो हैं ये सबसे सेंसिटिव एरियाज में आते हैं सीआरजेड वन में। ठीक है, अगर सीआरजेड वन में कोई आ जाता है तो वो बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया हो जाता है, वहाँ पर कुछ खास एक्टिविटीज़ को छोड़ के अन्य टाइप की एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं। जो अलाउड एक्टिविटीज़ हैं वो है कोई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई काम हो, बहुत स्पेशल काम हो, वहाँ पाइपलाइन बिछाई नहीं हो जो कि मेनली अंडरग्राउंड पाइपलाइन हो, या अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन जैसे इंटरनेट वगैरह के जो वायर्स बिछाते हैं अंडरग्राउंड, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन सब से पाइपलाइन और ट्रांसमिशन लाइन से जो कि बहुत अंडरग्राउंड होते हैं उससे ऊपर के इकोलॉजी में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस टाइप के ही प्रोजेक्ट अलाउड हैं। उसके अलावा वेदर राडार वगैरह जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगाता है ताकि साइक्लोन प्रिडिक्शन या वेदर मॉनिटरिंग कर सके। उसके अलावा ट्रांस हार्बर सी लिंक भी इस्टेब्लिश की जा सकते हैं इस तरीके से ताकि टाइडल फ्लो प्रभावित ना हो, टाइडल फ्लो प्रभावित हो जाएगा तो वहाँ का इकोसिस्टम प्रभावित होने का खतरा रहता है। और इनको सीआरजेड और आईपीजेड नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बनाए हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, इनको बनाए हैं। अब एक्स्ट्रा देखते हैं कि कोरल रीफ जो हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सारे शेड्यूल का मतलब क्या होता है, लेकिन शेड्यूल फर्स्ट में अगर WPA के कोई शेड्यूल फर्स्ट में आ जाता है तो इसका मतलब वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है। अब अन्य टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया भी बनाए गए हैं WPA 1972 के तहत, जिसमें आते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज और 3 मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसका आप नाम याद कर लें कौन कौन से हैं, ये जो हैं ये इसके अंडर में आते हैं जिनमें कई मरीन लाइफ और कोरल रीफ आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि वाइल्ड लाइफ के जो क्राइम्स होते हैं जैसे अवैध शिकार वगैरह, इलीगल ट्रेड वगैरह, इनको रोकने के लिए है। अब मरीन एंड कोस्टल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से की इनिशिएटिव्स हैं, ये वाला सेक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें इस समय काफ़ी अपडेट आ गया, आप करंट अफेयर से इसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन सिस्टम, यानी कोमा ऐप से 1991 में आया था, ये आया था इसका पर्पस था ताकि ये देख सकें हेल्थ कैसा है कोस्टल वाटर्स का और पॉल्यूशन वगैरह से निजात पाने के लिए कोस्ट को हेल्प कर सके। और क्या हुआ कि ये प्रोग्राम को फिर से मॉडिफाई किया 2001 में, जिसमें ऐड कर दिया गया फर्दर कि मॉनिटरिंग की जाए पोल्यूशन की और डिफरेंट टाइप के जो भी एफर्ट वहाँ पे लगाए जा रहे हैं कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब के नॉलेज का मैनेजमेंट हो सके, उनको कंसल्टेंसी और लाइसेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। अब अगला आता है लैंड ओशियन इंटरेक्शन इन कोस्टल जोन्स, ये भी आया था 1995 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडिया के कोस्टल जोन्स में, और उन सारे प्रभावों को देखते हुए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया जा सके कोस्टल इन्वायरमेंट का। ये तो वैसे ये वाला सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का जो अभी आपने देखा सीआरजेड वगैरह वो इंपॉर्टेंट है, और जो इसके बाद आएगा नमामि गंगे वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट इक मैम, ये 1998 में आया था, इसका उद्देश्य था कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करे कोस्टल और मरीन एरियाज का, और मॉडल प्लान प्रिपेयर किए गए थे चेन्नई के लिए, गोवा के लिए, गल्फ ऑफ कच्छ के लिए। नेक्स्ट आता है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, ये 2010 में लॉन्च किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था कि कोस्टल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, तो सारे का काम ओवरलैपिंग है, बस ईयर बाय ईयर चेंज होते जा रहे हैं, एक के बाद एक नए लाए जा रहे हैं। इसमें कई एक्सपर्ट बॉडीज होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के प्लान मैनेजमेंट के लिए इस एरिया में प्लान बनाते हैं।
अब आते हैं इंस्टीट्यूशंस फॉर कोस्टल मैनेजमेंट। देखिए कोस्टल रेगुलेटरी जोन का पहला इनिशियल नोटिफिकेशन 1991 में आया था, बाद में वो अमेंडमेंट हो गया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा मैंने बताया था कि स्टेट लेवल पे डिफरेंट बॉडीज़ होती है, नेशनल और स्टेट लेवल पे डिफरेंट बॉडीज़ होती है। जैसे यहाँ लिखा है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी लाई गई है ताकि इन्फोर्समेंट कर सके सीआरजेड का। इस समय 2019 में अभी रिसेंट में जो नोटिफिकेशन था उसमें आप देख सकते हैं अन्य कई चेंजेस हैं, डेफिनेशन वगैरह हम चेंज हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं इस बुक में क्या कवर है, हम वो आगे देखेंगे श्योर। और इन सारे अथॉरिटी, ये जो कोस्टल मैनेजमेंट वाली अथॉरिटीज हैं, इनको कहाँ से अपने राइट्स मिलते हैं, अपने पावर्स मिलते हैं, तो सेक्शन 5 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर ये वाइल्ड लाइफ का मामला होता तो WPA हो जाता, लेकिन ये EPA है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट का मामला है। फर्दर अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है गंगा एक्शन प्लान। ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, गंगा एक्शन प्लान आया था 14 जनवरी 1986। अब 1986 जो ईयर है उसको याद कर लीजिए, मेंस में लिखने में ये काफ़ी काम आता है। कई बार इवोल्यूशन आप देख सकते हैं गंगा के कंजर्वेशन पे, अगर इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटजीज पूछ ले तो आप वहाँ बता सकते हैं। इनिशियल में 1986 में गंगा एक्शन प्लान आया था जिसमें बहुत सी बातें कही गई थी कि पोल्यूशन को रोकना है, ठीक, और डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट किए जाए डोमेस्टिक सीवेज का या टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, इन सब का ट्रीटमेंट किया जाए ताकि क्वालिटी वाटर की इम्प्रूव की जा सके। यहाँ पे अभी तक फोकस किस पे है, इसमें पोल्यूशन पे है, देखते हैं। इसके अभी तक गंगा की इकोलॉजी पे फोकस नहीं है, गंगा एक्शन प्लान 1986 में मेनली पोल्यूशन को रोकने की ही बात की जा रही है। उसके बाद अभी आता है 2009 में मिशन क्लीन गंगा, इसका ऑब्जेक्टिव डेट थी फाइनल 2020। इसमें कहा गया था कि नो म्यूनिसिपल सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वुड बी रिलीज्ड इन द वाटर विदाउट ट्रीटमेंट, बात वही है, और यहाँ भी सिर्फ पोल्यूशन की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि रिवर गंगा में कोई भी म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं डाला जाएगा जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए, यानी डायरेक्टली कोई एफ्लुएंट म्यूनिसिपैलिटी और इंडस्ट्री कोई अपना एफ्लुएंट डायरेक्टली रिवर गंगा में ऐड नहीं कर सकती हैं। तो अभी तक यहाँ पोल्यूशन की ही बात की जा रही है। मैं बताता हूँ आगे कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ पोल्यूशन की बात की जा रही है। और गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर। इसका उद्देश्य है कि पोल्यूशन को रोकना, रिवर गंगा का को कंजर्व करना और रिवर बेसिन अप्रोच लाना। तो इस अथॉरिटी यानी मेनली नमामि गंगे प्रोग्राम से जो अप्रोच हो जाएगी वो रिवर बेसिन अप्रोच हो जाएगी। अभी थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं। पहले नमामि गंगे का इनिशियल कार्पस 2037 करोड़ का, और इस कार्पस का उद्देश्य है कंजर्वेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ गंगा। एक्स्ट्रा 100 करोड़ हो गए पैसे अलग से दिए गए ताकि घाट्स का डेवलपमेंट कर किया जा सके, ब्यूटिफिकेशन किया जा सके रिवर फ्रंट का। किन साइट पे? केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना एंड दिल्ली। अब इसका फर्दर इसमें अप्रोच चेंज होती है। देखिए पहले क्या था, सारा पोल्यूशन को ही जिम्मेदार माना जाता है कि आप जो है क्या करिए, इंडस्ट्री और म्यूनिसिपल ज़्यादा से ज़्यादा हाउसहोल्ड वेस्ट या फार्म, इन सारे पोल्यूटिंग सोर्सेज को आप चेक कर दीजिए तो गंगा जो है कंजर्व हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये समझ में आ गया, साइंटिस्ट लोगों ने भी कई रिसर्च पब्लिश किया और ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपने क्षेत्रों में देखा ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहीं है, हमें डिफरेंट टाइप की अन्य चीज़ें भी यहाँ पे ऐड करनी होंगी, जैसे ओपन डेफिकेशन मेंटालिटी चेंज करना, वाटर को सही से रियूज करना, उस एरिया में जो भी लैंड मास है उसको कंजर्व करना, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना, फिशरी कंजर्व करना, एक्विटिक बर्ड को कंजर्व करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इवेल्युएशन में सामने आए कि रिवर को कंजर्व करने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ऊपर की जो यहाँ पे हम पॉलिसीज देख रहे थे, गंगा एक्शन प्लान, मिशन क्लीन गंगा, ये सब मेनली फोकस कर रहे थे पॉल्यूशन पे, लेकिन अब नमामि गंगे प्रोग्राम से सारा जो अप्रोच हो जाता है गंगा कंजर्वेशन का वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाता है और रिवर बेसिन अप्रोच, यहाँ यानी कि रिवर का जहाँ जहाँ पानी इंटरेक्ट करता है
जो भी लैंड मास है उस सारे एरिया को कंजर्व किया जाए, सिर्फ रिवर वाटर को ही ध्यान न दिया जाए। इसमें फर्दर कहा गया कि बेटर सिटीजन कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी सिटीजन आसपास आते हैं रिवर के लिए, रिवर से फ़ायदा उठाते हैं, रिवर के पानी में कुछ ऐड करते हैं, उन सबों को नॉलेज प्रोवाइड किया जाए कि वो ऐसा ना करें या क्या करें क्या ना करें। और रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस भी होना चाहिए। इंडिया में सारे अर्बन जो प्रोसेस हैं वो बस ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ते 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 वो सारे डेवलपमेंट प्रोसेस होते गए हैं, कभी इन्वायरमेंट का कभी रिवर्स का ध्यान नहीं दिया गया है। तो अर्बन प्लानिंग अब से ऐसी हो, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह ऐसी बने या पुरानी सिटीज़ जो पहले से बन चुके हैं उनमें ऐसे सुधार किए जाएँ ताकि जो वाटर बॉडीज हैं, जो रिवर हैं, उनको हम रिजुविनेट कर सकें। अब डिफरेंट टाइप के इसमें प्रोग्राम्स जो हैं नमामि गंगे के अंडर में लिए गए हैं। निर्मल धारा, तीन पार्ट में निर्मल धारा हो जाती है। तो पहले तो है कि वो अर्बन, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसका कोऑर्डिनेशन करेगी। इसका उद्देश्य है कि म्यूनिसिपल सीवेज को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाए। पहले तो उसको ट्रीट किया जाए, इन सीटू जहाँ से निकलता वहीं पर ही उसको ट्रीट कर दिया जाए, और ऐसे अप्रोचेज बनाई जा सके ताकि हमेशा लाइव मॉनिटरिंग हो सके उसका। उस एरिया में कभी भी ये गलती से कोई इंडस्ट्री सीवेज न डाल दे, फाइन वगैरह प्रावधान हो, प्रहरी बनाए जाएं, ये सारी अप्रोचेज जो आती हैं ये सब निर्मल धारा के तहत आती हैं। अर्बन सेक्शन जो इसका है, और भी अप्रोचेज हैं, जैसे जो भी प्रोजेक्ट्स इसके यहाँ पे कराए जा रहे हैं इस रिवर को मेंटेन करने के लिए, चाहे घाट बनाने हों, चाहे वो ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हों, उनमें PPP मॉडल का यूज किया जाए। और जो भी सर्विस प्रोवाइडर जो उसको बता रहा है, जो उसको बना रहा है, वो 10 ईयर का मैंडेटरी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी कार्य करेगा वहाँ पर। और जो भी कार्य हो रहे हैं वहाँ पे मेंटेनेंस या कोई भी डेवलपमेंट वर्क, उनमें ट्रीटेड वाटर का ही यूज होगा, एक्स्ट्रा अंडरग्राउंड वाटर या ऐसे कोई वाटर का यूज नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अभी तक कुछ ही लिमिटेड एरिया में गंगा बह रही है उसके कहीं कहीं पर ही सिर्फ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको बढ़ा के 118 अर्बन हैबिटेशन जो कि गंगा के तट पे हैं उन पे ला जाए, यानी लगभग 100% कवरेज ऑफ अर्बन हैबिटेशन इसके थ्रू हो जाएगा। इसके लिए ही 51,000 करोड़ जो है खर्चा करेगी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अब आता है निर्मल धारा का रूरल वाला सेक्शन, मैनेजिंग सीवेज फ्रॉम रूरल एरिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर में आता है। गंगा जो है रिवर जो बह रही है उसके तट पे जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, यानी कि 1632 जो आते हैं, उनको ओपन डिफिकेशन करा दिया जाए 2022 तक। और इसके लिए मिनिस्ट्री 1700 करोड़ जो है वो खर्च करेगी। उसके अलावा स्टेट भी इसमें खर्चा करेंगे, लेकिन मेनली इसमें सेंट्रल का जो हिस्सा है वो 1700 करोड़ है। फिर आता है निर्मल धारा का इंडस्ट्रियल वाला कंपोनेंट। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो एकदम से लिक्विड डिस्चार्ज कर ही नहीं सकती इस रिवर में बिना किसी ट्रीटमेंट के उसको। और क्या हो कि जो भी वाटर इस एरिया में रिवर के आसपास बेसिन एरिया में कोस्ट एरिया में जो भी वाटर यूज हो रहा है उस पर गवर्नमेंट ऐसा टैरिफ लगाए ताकि लोग पानी की बर्बादी ना करें, बार बार रीयूज करें उसी वाटर का। ठीक है, आप बहुत तरीके से रीयूज कर सकते हैं, आप जो अपना ग्रे वाटर होता है, ब्राउन वाटर होता है, उसका यूज आप रिसाइकिल करके कई बार तो आप पीने लायक भी बना सकते हैं, कई बार उसको गार्डनिंग में, कई बार उसको खेतों में यूज कर सकते हैं। ये सारी अप्रोचेज इसमें इस्तेमाल करने की बात कही गई है। और हमेशा हर एक पॉइंट पे रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाए, पॉइंट सोर्सेज के लिए बात कही गई, नॉन पॉइंट सोर्सेज के लिए अभी अप्लाई नहीं होता, अभी हम देखेंगे वो भी है थोड़ा सा। अब अविरल धारा, निर्मल धारा का मतलब हो गया क्लीन फ्लो, अविरल धारा का मतलब हो गया अनइंटरप्टेड फ्लो। अविरल मतलब अनइंटरप्टेड, ठीक है। ये इसमें कहा गया है कि रिवर रेगुलेटरी जोन्स बनाए जाएंगी गंगा के बैंक्स पे। इन रेगुलेटरी जोन्स में एकदम से प्रोहिबिट होंगी बहुत टाइप की एक्टिविटीज। इन एरियाज में एफ्लुएंट तो एकदम से नहीं आएंगे, और इन एरियाज में रेशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज होंगी, ऑर्गेनिक खेती प्रमोट की जाएगी, और वहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड वार्ड बनेगा जाकि लोग कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ करें। और इरिगेशन मेथड वगैरह जो हैं इफ़िशियंट बनाए जाएंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह का यूज किया जाएगा इन एरियाज में, और काफ़ी प्रमोट किया भी जा रहा है, काफ़ी क्षेत्र इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे हैं। और
रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, तो आप वेटलैंड का कंजर्वेशन यहाँ पे आ जाता है। पुरानी सारी पॉलिसीज में अभी तक वेटलैंड कंजर्वेशन की बात नहीं की जा रही थी, रिवर बेसिन कंजर्वेशन की बात नहीं की जा रही थी, इकोसिस्टम की बात नहीं की जा रही थी, ये पहली बार आया है। यहाँ पे लिखा भी है इकोलॉजिकल रिजुविनेशन बाय कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आगे आता है कि टूरिज्म और शिपिंग जो है रिवर्स के थ्रू जो भी होता है उसका रेशनल और सस्टेनेबल मैनर में उसको किया जाए, ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो, कम से कम वेस्ट डिस्चार्ज हो रिवर में। अब आता है कि जो भी इन सारे कामों को करते हुए जो भी नॉलेज गेन होगा, क्योंकि ये कई बार इस टाइप के काम नए रिसर्च को भी जन्म देते हैं, तो जो भी नॉलेज बिल्डअप होगा उसके लिए गंगा नॉलेज सेंटर स्थापित किया जाए, और बाद में उस सारे नॉलेज को टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी लाया जाए, और उसके लिए गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज एक अलग से यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू रिवर गंगा बनाई जाएगी। अब आता है NRI गंगा फंड। वैसे ये फंड अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये प्रपोज्ड फंड है। मेरे ख्याल 2014-15 में ही ये प्रपोज हो गया था, उस समय के 2014-15 के जो बजट स्पीच में ये बात कही गई थी। अभी तक एग्जैक्टली आया नहीं, अभी तक तो NRI जो हैं वो जो फेमस फंड है क्लीन गंगा फंड, इसी में ही पैसा देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि इसका कोई डिटेल मुझे मिला नहीं, कि आएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियंस अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आ सकता है, ये बात है यहाँ पे लिखी, लेकिन अभी तक आया नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आता है क्लीन गंगा फंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन गंगा फंड जो है इसमें लोग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है? रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया या NRIs या PIOs, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदर्स है, इसका कोई डिफिनेशन मिला नहीं। अदर्स में एलियंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं मिला नहीं। तो अभी तक रेसिडेंट और NRI PIO इतने ही लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए सेक्रेटेरिएट ऑफ ट्रस्ट भी एक बनाया जाएगा, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के अंडर में होगा, और यानी मिशन डायरेक्टर ऑफ क्लीन गंगा के डायरेक्टली अंडर में आएगा। ये जो भी डोमेस्टिक डोनर्स यानी जो इंडियन लोग जो इसमें फंड देंगे वो टैक्स एग्जेम्पशन पाएंगे, जैसा कि उन्हें स्वच्छ भारत कोष में अभी तक मिलता रहा है। फॉरेन डोनर्स के लिए भी ऐसी ही कोई व्यवस्था की जाएगी, तो ताकि उनको भी किसी खास टाइप के जो सुटेबल टैक्स एग्जेम्पशन उनको मिलने हों वो मिल सकें। और ये जो फंड है अन्य कंट्रीज में भी, जो कि उन कंट्रीज से जहाँ से बहुत ज़्यादा फंड आ रहा होगा इस फंड में, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होगा इस फंड में, उन कंट्रीज में स्पेशल कोई मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश करेगी, ताकि उस कंट्री में ही जो लोग हमें पैसा दे रहे, वो PIO NRI जो उस कंट्री में रहते हुए इंडिया को पैसा दे रहे हैं, उनको उसी कंट्री में ही बेनिफिट हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई USA में NRI है वो इंडिया में पैसा दे रहा है इस फंड में, तो उसको USA में ही कोई बेनिफिट मिल सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाने की भी बात कही गई है। और ये जो फंड है वो कैटेलिटिक इन नेचर है, यानी कि जो पहले से फंड पायलट प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनको ये प्रमोट करेगा। ये करेगा क्या कि आइडेंटिफाई करेगा प्रोजेक्ट्स को, या पायलट प्रोजेक्ट्स को, R&D प्रोजेक्ट को, इनोवेटिव प्रोजेक्ट को, या कोई अदर फोकस्ड प्रोजेक्ट जो कि गंगा से रिलेटेड हैं, इन सारे टाइप के फंड्स को ये खुद आइडेंटिफाई करेगा और उनको फंड देगा, ताकि उनको प्रमोट किया जा सके और उनके बेसिक्स बन सके। प्लानिंग, फंडिंग एंड इवेल्यूएशन का भी ये काम करेगा। ठीक है, अब इसके अंडर क्या क्या ब्रॉड एक्टिविटीज़ हैं, ये सबसे पहले तो फंड करता है नमामि गंगे में जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको। ये क्या करता है कि अन्य जो भी एक्टिविटीज़ यानी कि जो भी काम या प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, नॉन पॉइंट पॉल्यूशन और एग्रीकल्चर रन ऑफ और ह्यूमन डिफिकेशन और कैटल वोलोइंग, कैटल वोलोइंग मतलब जो कीचड़ में जानवर लौटते हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी चल रही होती हैं उन प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ को ये फंड करने काम करते हैं। वेस्ट के ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ प्लांट्स अलॉन्ग द रिवर अराउंड द सिटीज, यानी कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट वगैरह प्लांट चलते हैं उनको फंडिंग करने ये काम करता है। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन जो कि रिवर के किनारे किए जा रहे होते हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को भी ये फंड करता है। और जो भी कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जनता खुद कर रही होती है एक्टिविटीज़ जिससे पोल्यूशन कम हो सके
ह्यूमन बर्डन कम हो सके रिवर पे, उन सारे एक्टिविटीज़ को भी ये फंड करता है। और वो सारे टाइप की चीज़ें बनाना, वो सारे टाइप के एम्यूनिटीज़ को बनाना जो कि गंगा या गंगा के हेल्थ को सुधारने में मदद कर रहे हों, जैसे घाट रिडेवलपमेंट वगैरह, इस टाइप के प्रोजेक्ट को भी ये फंड करता है। और कोई नई टेक्नोलॉजी या प्रोसेस आ रहा है जिससे रिवर को क्लीन किया जा सके, यानी R&D प्रोजेक्ट्स, उनको भी ये फंड करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि डिफरेंट टाइप के इसमें क्या क्या हैं। आप कॉमन सब रटने की जरूरत नहीं है, एकदम से आप कॉमन सेंस लगा के भी देख सकते हैं, सारी अच्छी बातें ही कही गई हैं इसमें। कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सियल कोई एकदम से न्यू चीज़ नहीं कही गई है, तो एकदम से पॉइंट टू पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है। ये सब पता होना चाहिए कि हाँ, इसमें NRI PIO वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये यही सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब रिसेंट में क्या हुआ था, वही बात है, घुमा फिरा के कही गई है, लेकिन दोबारा यही लिखा गया है कि पहले की स्ट्रेटजी ये थी कि रिवर्स को कंजर्व करने के लिए टैकलिंग पोल्यूशन, रिवर को कंजर्व करना हो तो टैकल करो पोल्यूशन को, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अप्रोच हो गई है कि नहीं, रिवर बेसिन अप्रोच। तो पहले एक, चाहे पॉइंट पोल्यूशन हो या नॉन पॉइंट पोल्यूशन हो, या डोमेस्टिक पोल्यूशन हो या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, वही रिवर को गंदा करता है, ये वाली अप्रोच थी। लेकिन अब क्या है कि रिवर को अगर हमें कंजर्व करना है तो रिवर बेसिन अप्रोच लेके चलनी होगी हमें, साथ में रिवर के साथ में क्या क्या रिवर का देखना होगा, पोल्यूशन, इकोसिस्टम, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का ह्यूमन बिहेवियर, कैसा ह्यूमंस वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमी, तो अन्य चीज़ें भी पॉसिबल हैं। लेकिन ये सारी मेन यही चीज़ें हैं जो अब रिवर को कंजर्व करने के लिए देखी जा रही हैं। तो ये अब चैप्टर ख़त्म हो जाता है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।